मेरे दोस्तों एक बात जान लो, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पूमा, लेकिन हमने पूरा मेहनत करके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज लाने की कोशिश की है। इस पूरे वीडियो में आप जितने भी जूते देखोगे वो सारे 2000 के अंदर है। मजा आएगा, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो जूता हमारे पास में आ गया उसका नाम है डिस्पर्स XT2। अगर प्राइसिंग की बात करें यहाँ पे लिखा गया 4999, आपको पे नहीं करना है क्योंकि 2000 के अंदर का है। फटाफट निकालते जूते का, और ये वन ऑफ द बेस्ट, मेरा फेवरेट जूता है इस पूरे हॉल का। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें, हल्का जूता है ये। फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट नहीं है, हमने ऑलरेडी इसे टेस्ट कर रखा है। इसकी पूरी जो अपर बॉडी है वो बहुत खूबसूरत नीटेड फैब्रिक से बनी गई है। इसमें अलग क्या है, ये नीटेड फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल फील होता है। डेफिनेटली आपको क्वालिटी का फर्क पता चलेगा। जूते के आउटर साइड में यहाँ पर आपको रबर की कोटिंग मिल जाएगी, जिसके ऊपर आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो की ऑरेंज कलर से है। इसके ऊपर आए तो लेस वाले पार्ट में, लेस के साइड साइड में आपको रबर की कोटिंग मिलती है। रंग इसका बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, मेश से बना गया है, जिसके ऊपर पूमा की ब्रांडिंग या एक पैच अटैच मिलेगा, और इसके दूसरी तरफ भी पूमा का लोगो दिया गया है जो की बड़ा नया है। जूते का अगर पीछे आ जाए तो बहुत सारे आपको लेदर के पैचिंग की डिजाइनिंग मिल जाएगी, अलग अलग टाइप के टेक्सचर के डिजाइनिंग्स को क्रिएट किया गया है। यहाँ पर साइड में लेदर के ऊपर बहुत सारे कट्स दिए गए हैं जो कि शॉक फिन टाइप के लगते हैं। उसी लेदर के अंदर से एक स्ट्रैप अटैच किया गया है जो कि जूते का पुल टैप है। ये कितना काम का है ये मुझे नहीं पता, लेकिन है। इसके ऊपर में यानी जूते की बाहर की तरफ आपको ऑरेंज कलर का पूमा का लोगो मिल जाएगा जो कि 3D प्रिंटेड है। एक चीज यहाँ पर ये बता दूं कि ये जितना भी लेदर है ना, बहुत ज्यादा प्रीमियम आपको फील नहीं होगा, डिसेंट टाइप का लेदर है। इनर कम्फर्ट की बात करें तो इसमें आपको पूमा का सॉफ्ट फोम प्लस टेक्नोलॉजी वाला इंसोल मिल जाता है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, और इस एपिसोड में आप जितने भी जूते देखने वाले हो ना, सारे में ये मिलेगा, तो हम बार बार इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इनर पैडिंग वाइडिंग भी इसकी बहुत अच्छी की गई है, इसका एंकल सपोर्ट अच्छा है, कॉलर कट बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मिड सोल पे आ जाए तो मिड सोल इसका पूरा ईवीए फोम का बना हुआ है, कंफर्टेबल है, जब हमने पहना कंफर्ट लगता है पैरों में, अच्छा लगता है। इस सोल में भी आपको बहुत सारी डिजाइनिंग मिल जाएगी दोनों तरफ, और पीछे आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सोल के नीचे आ जाए तो नीचे में भी आपको पूमा की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर बस कंपनी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग क्या कर रही है कि पूरा हार्ड रबर नहीं देखे, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में जो कि मेजर पॉइंट होता है वहीं पे आपको हार्ड रबर देखने को मिलेगा, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्रंट में छोटा सा एक पूमा का लोगो मिल जाएगा, और इस हार्ड रबर के कलर को ऊपर तक लेके जाया गया है, जो जूते को एक बहुत खूबसूरत डिजाइन देता है। ओवरऑल अगर इस जूते की बात करें, खूबसूरत जूता है, कंफर्टेबल जूता है, ब्लैक कलर का जूता है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा वर्सेटाइल हो जाएगा। एक चीज मुझे पर्सनली इस जूते में क्या अच्छा लगी, इसका जो अपर पार्ट है ना, चूंकि हमारा इंडियन फीट है, हमारा पैर ना थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा होता है, अगर इस जूते के अंदर अपना पैर डालोगे ना तो बहुत कंफर्टेबली रहता है। अगर मैं इसे दबा कर देखूं ना, वो एक्स्ट्रा यहाँ पर इतना ना पार्ट निकल कर आता है, पैर अंदर में बहुत ज्यादा कंफर्टेबली बैठे रहेगा, आराम से लेटे रहेगा, एंजॉय करेगा, गन्ना चिबेगा। फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट जूते की तरफ। नेक्स्ट जूता हमारे पास में आ गया, अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें 3499, इतना हमको पे नहीं करना, 2000 के अंदर का जूता है, आई मीन पूरा हॉल है। जूते का नाम यहाँ पर लिखा गया अंजारून लाइट V3 IDP। जूते को निकालते हैं, पूमा इसे बोलती है ट्रैकिंग जूता, लेकिन आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा खूबसूरत स्पोर्ट जूता है। सबसे पहले अगर कलर की बात करें तो जूते में आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, एक व्हाइट है और एक ग्रे है, दैट्स इट। इसका जो पूरी अपर बॉडी है वो मेश से बनी है, मेश बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा है, तो वेंटिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एयर आराम से अंदर में जाएगा। टंग वाले पार्ट में आए तो इसमें आपको पूरा फ्यूज टंग मिलता है, यानी सॉक्स जैसा जूता है, आराम से इसे पहन सकते हो, निकाल सकते हो। जूते के दोनों साइड में आपको रबर कोटिंग मिलती है जो कि व्हाइट कलर से, और उसके ऊपर में ग्रे कलर से ग्राफिक डिजाइनिंग की गई है। एक तरफ में आपको कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती, लेकिन दूसरी तरफ यानी जूते के बाहर की तरफ आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे एक बहुत खूबसूरत सा लेदर पैच अटैच किया गया है, जिसके ऊपर ऑरेंज कलर से पूमा की ब्रांडिंग मिलती है। इस जूते में आपको एक झुनझुना लटका हुआ मिलेगा जो कि है पूमा का सॉफ्ट फोम प्लस, इसे आप छूकर इसके इनर सोल को समझ सकते हो कि कितना सॉफ्ट है। टैंक के ऊपर में आपको पुल टैप मिल जाएगा, जिसके ऊपर में आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि ऑरेंज कलर से है, और इस जूते में आपको दो दो पुल टैप मिलते हैं आगे और पीछे दोनों। इसके भी कॉलर कट बहुत ज्यादा डीप है, एंकल सपोर्ट बहुत अच्छा है, अंदर पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छी है। आउटर सोल की बात करें तो इसका जो मिड फोम है वही इसका आउटर सोल है, यानी इसके नीचे में आपको कोई भी हार्ड रबर की कोटिंग नहीं मिलती, कंपनी यहाँ कॉस्ट कटिंग कर रही है। लेकिन इसका जो आउटर सोल है अच्छा है, कंफर्टेबल है, डेफिनेटली 2000 के अंदर का, देखो जूता है 1500 के आसपास का भी हो सकता है, तो इतने सस्ते में ना सिर्फ पूमा ही जूता दे सकती है, क्वालिटी इन सारे जूतों की अच्छी है। नीचे में आपको एक पूमा का लोगो मिल जाएगा। अगर आपको देखो एक सिंपल सा नॉट चटकीला नॉट भटकीला वाला जूता चाहिए, सिंपल बेसिक कलर वाला जूता चाहिए, पूमा का जूता चाहिए, 2000 के अंदर चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे कारण है जिसके लिए आप इस जूते को चूज कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा पूमा का जूता आ गया हमारे पास में। ये जो जूता है हमारे चपचपाते लोंडो के लिए, यानी जिनको भी स्मार्ट दिखना है, मस्त दिखना है, सेक्सी देखना है, उनके लिए है। फटाफट इसके मॉडल नंबर की बात करें तो नाम है पूमा R78, और ये जूता बहुत खूबसूरत जूते से इंस्पायर है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। वैसे इसकी MRP यहाँ पर 3999। फटाफट निकालते जूते को, जस्ट लुक एट दिस खूबसूरत जूता। ये जूता पूमा के ही एक जूते फ्यूचर राइडर से इंस्पायर्ड है, वो जूता लाइक बहुत महंगा होता है, आइडेंटिकल इसकी भी वैसी डिजाइनिंग की गई है। इसकी पूरी जो बॉडी है वो आपको मिलेगी ग्रे कलर की जो कि निटेड फैब्रिक का। फ्रंट में अगर इसके टो को देखोगे तो ये वाला ब्लैक पार्ट और लेस के साइड साइड वाला पार्ट सारा सिंथेटिक स्वेड लेदर है जो कि प्रीमियम लगता है और नहीं भी लगता।
इसका मतलब समझ लो कि प्रीमियम का थोड़ा सा कॉपी करने की यहाँ पर कोशिश की गई है बजट में लाने के लिए। इसी के साइड में देखोगे तो व्हाइट कलर से आपको तीन तीन पैच देखने को मिलेंगे रबर के, जो कि खूबसूरत लगते हैं बस एज अ डिजाइन एलिमेंट है। इसके ऊपर आए अगर लेस के ऊपर व्हाइट कलर का लेस दिया गया है, बहुत खूबसूरत लगता है। और इसी लेस के नीचे में ये जो ब्लैक कलर का पूरा पैच अटैच किया गया है, उसमें एक छोटा सा सेक्शन कट करके पूमा की ब्रांडिंग की गई है। इसके टंग की बात करें तो पतला टंग है, पतला होना खराब नहीं होता, पैरों में बहुत अच्छे से बैठता है। साथ ही साथ रेड कलर का टंग है, इस सारे ब्लैक कलर के खिचड़ी ताम झाम के ऊपर ना रेड कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। उसके ऊपर आपको पूमा की व्हाइट कलर की ब्रांडिंग मिल जाएगी और अंदर में लिखा गया है मेड इन वियतनाम। उसके अगर पीछे आ जाए तो व्हाइट कलर के लेदर से आपको पूमा की स्ट्रिप की डिजाइनिंग मिलेगी और ठीक उसके नीचे ब्लैक कलर के नायलॉन की फैब्रिक दी गई है, जो कि थोड़ा सा शाइन करता है और जूते को एक एलिमेंट ऐड करके देता है। ठीक उसके पीछे आ जाए तो रेसेंट ग्रीन कलर यूज किया गया है और ये भी सिंथेटिक स्वेड लेदर है। इसके ऊपर आपको एक पुल टैप मिलेगा और इसके ठीक नीचे आपको पूमा की लोगो मिल जाएगी। इसके इनर कंफर्ट्स की बात करें तो इसकी पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छे से की गई है। इसके भी इनर सोल में आपको पूमा का सॉफ्ट फोम प्लस देखने को मिलता है, जो कि अच्छा होता है। मिड सोल की बात करें तो इसमें बहुत अच्छा इसमें फोम आपको दिया गया है, ईवीए फोम इसे बोलते हैं। और उसके ऊपर में देखोगे तो एक बहुत बड़ा प्लास्टिक अटैचमेंट यहाँ पे दिया गया है। अब ये बस स्टाइल के लिए है या इसके साथ कुछ फीचर आता है, इसे पूमा कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। इसके ऊपर आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी और सोल के बॉटम लेयर में आपको हार्ड रबर का काम मिलेगा, जिसमें बहुत खूबसूरत सी ग्रिपिंग की गई है। नीचे आपको पूमा की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल अगर इस जूते की बात करें, देखो बहुत ज्यादा खूबसूरत जूता है, साथ ही साथ ये स्नीकर की डिजाइन में आता है, डेफिनेटली आप बहुत सारे आउटफिट्स के साथ इजीली इसे पेयर अप कर सकते हो। ऐसे खूबसूरत जूते कलर ब्लॉकिंग डिजाइन जो होती है बहुत सारे आउटफिट्स के साथ अच्छी लगती है। आप मुझे बताइए कमेंट में ये जूता आपको कैसा लगा। फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट जूते की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो पूमा का जूता है, एक और खूबसूरत लो टॉप स्नीकर है। वैसे अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें, यहाँ पर इसकी एमआरपी लिखी गई है 3499, इतना आपको पे नहीं करना है। स्टाइल है इसका क्वार्टर ब्लॉक। फटाफट निकालते जूते को और देखते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। पहले देख लो कि इसकी पूरी जो बॉडी है वो बनी गई है लेदर से। लेदर जूता है इसलिए बहुत ज्यादा खूबसूरत एंड अलग ही लुक होता है भाई लेदर जूतों का। जूते का अगर कलर की बात करें तो मेजरली तीन कलर आपको देखने को मिलेंगे, एक है रेड, एक है नेवी ब्लू और एक है व्हाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके अपर बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी जो बनी हुई है वो बनी हुई है मैट लेदर से। लेकिन वही जूते के अगर फ्रंट साइड में देखोगे ना, तो यहाँ पर ऐसे करके लूप टाइप की डिजाइनिंग बनाई गई है कटिंग के थ्रू। और ये वाला जो लेदर है ना वो क्रैक लेदर है, यानी इसके ऊपर आपको वो क्रैक टाइप की जो लेदर की टेक्सचर होती है ना वो देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे आ जाए तो लेस के साइड साइड में वैसे कोई कोटिंग नहीं है, लेकिन लेस होल्स पे आपको मेटल रिंग्स देखने को मिलेंगे, जो कि इस जूते को मजबूत और बनाते हैं। टंग देखोगे तो टंग थोड़ा सा मुझे छोटा लगा, थोड़ा सा बड़ा होता तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसे टंग भी लेदर का है, जिसके ऊपर आपको पूमा की ब्रांडिंग की पैच मिल जाएगी। टंग की मेशिंग बहुत अच्छे से की गई है और अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है भाई मेड इन इंडिया, यानी ये जो खूबसूरत जूता है हमारे इंडिया में बना हुआ है। जी हाँ, ऐसा सुनने से ही ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब जूते के पीछे आ जाए तो साइड साइड में ये व्हाइट इकलौता व्हाइट आपको देखने को मिलेगा, क्रैक लेदर है और इससे पूमा की ये जो स्ट्रिप है वो डिजाइन की गई है। दोनों तरफ आपको ये देखने को मिलता है। जूते का अगर पीछे देखो तो सेम आपको क्रैक लेदर से यहाँ पर पैच एक अटैच किया गया है, जिसके ऊपर व्हाइट कलर की पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड सिर्फ और सिर्फ ये जो क्रैक लेदर है या शाइनी लेदर है, जो समझ लो, ये फ्रंट में और बैक में दिया गया है, जो कि जूते का एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लुक देता है। अब आ जाते हैं जूते की इनर कुशनिंग में। इनर कुशनिंग में सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि इसके अंदर आपको रेड फैब्रिक देखने को मिलता है। कुशनिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो रेड है ना, उसके कारण से जितने भी छोटे छोटे और रेड एलिमेंट्स है ना, उसके साथ ये सारी चीजें मैच हो जा रही है। वैसे अगर इसके इनर कंफर्ट की बात करें तो इसमें इनर सोल में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ये ऐसा फील होता है जैसे सॉफ्ट फोम प्लस। अंदर में अगर हाथ घुसाओ ना तो चारों तरफ आपको कुशनिंग देखने को मिलेगी, या समझ लो कि कैनवास की एक लेयरिंग की गई है, जिससे अंदर भी पूरा अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। जूते के अगर सोल में आ जाए तो फ्रंट में टो प्रोटेक्टर के नाम पे एक और पैच यहाँ पर अटैच किया गया है, जो कि एक और खूबसूरत एलिमेंट ऐड करता है। नीचे देख ले तो आपको बहुत सारा पूमा 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 लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि है हार्ड रबर का। और इस जूते को आप स्केट शू भी बोल सकते हो, क्योंकि इस तरह से इसके सोल की डिजाइनिंग की गई है। जूते के अगर कंफर्ट की बात करें तो डेफिनेटली ये जूता देखो थोड़ा सा नैरो है, ऑब्वियसली आपको एकदम कंफर्टेबल नहीं लगेगा, थोड़ा सा मेरा पैर ऐसे दब रहा था, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। एक होता है गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये बेटर है समझ लो। अब देखो ये तो ऑलरेडी एक लेदर जूता है, तो ऐसे भी ये गंदा नहीं होगा, इसलिए आप इसे साफ कर सकते हो। साथ ही साथ ये डार्क कलर है, तो जितने भी गंदगी होगी ना वो बहुत जल्दी दिखेगी नहीं आपको। तो अगर आपको एक खूबसूरत लो टॉप स्नीकर चाहिए, पूमा जैसा ब्रांड चाहिए, ऐसा लेदर चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक चले, तो आप डेफिनेटली इस जूते के लिए जा सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा लास्ट जूता आ गया हमारे पास, फटाफट निकालते हैं इसे, उसके बाद देखेंगे इसके एमआरपी, क्योंकि हम स्पीड में पार कर गए। वैसे यहां पर इसके एमआरपी लिखी गई 2999, सबसे लोएस्ट प्राइस वाला ये जूता है। यहां पर इसकी स्टाइल नेम लिखी हुई है लूप एक्स आईडीपी। आईडीपी मतलब क्या होता है भाई? फटाफट कागज को निकालते हैं और कागज घिसेला है आयास, उसको भी निकाल भाई साहब, बहुत ज्यादा ही लाइट वेट जूते हो जैसे फील हो रहा है। इसकी पूरी जो बॉडी है वो मेश से बनी गई है और ये जितने भी मटेरियल्स यूज हुए हैं ना, इसके कारण से ये जूता बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। इसमें आपको कोई भी टंग नहीं मिलता अलग से, पूरा फ्यूज टंग है, यानी सॉक्स जैसा जूता है, पैर में डालो, पहनो और दौड़ते बनो, किसी का लेके मत भागना बस। इसमें आपको लेस मिल जाएगा, टंग के ऊपर
और आपको पूमा का एक पैच मिल जाएगा जिसके थ्रू ब्रांडिंग की गई है। वैसे अगर लेस के साइड में देखोगे ना तो इसमें कोई होल्स आपको नहीं मिलते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक कपड़े का लेके ना सिलक सिल्क के एक लूप डिजाइन किया गया है जिसके थ्रू आपका लेस पार होके इस जूते को टाइट करता है। वेरी स्मार्ट। साइड में आपको लेदर पैच मिलेगा जिसके थ्रू आपको ये पूमा की स्ट्रिप डिजाइन मिलेगी। एक चीज मुझे क्या कमी लगी कि ये स्ट्रिप अगर पूरा घुमा देते ना तो ज्यादा अच्छा लगता, बस आधा लाके यहाँ पे छोड़ दिए। अगर इसके इनर कुशनी की बात करें तो साइड में आपको पैडिंग वैडिंग भी डिसेंट मिलेगी। इसमें भी आपको कोई सोल में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि सॉफ्ट फोम है ऐसा वैसा है, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी अच्छी है। अंदर आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अंदर में एक पैच अटैच किया गया जिसमें एक बहुत खूबसूरत चीज लिखी है, पता है क्या? मेड इन इंडिया। इसमें और ज्यादा देखो कुछ ज्यादा ताम झाम नहीं है, पीछे एक पुल टाइप है जिसके ऊपर आपको पूमा की एक और ब्रांडिंग मिल जाएगी। मिड सोल इसका सेम EVA फोम वाला है, लेकिन एक चीज बता दूं कि अब तक मैंने जितने भी जूते देखे ना उंगलियों से दबाने से ये वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट फोम मुझे लगा। नीचे आपको सरप्राइजिंगली इसमें एक हार्ड रबर पैच मिलता है, पूरे में नहीं है, कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स होते हैं यानी अपर पार्ट और नीचे वाला बॉटम पार्ट, इसमें आपको हार्ड रबर देखने को मिल जाएगा। ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, नीचे आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और इस जूते के बारे में भी अगर ओवरऑल बात करें ना तो अगर आपको देखो लो टॉप हल्का फुल्का वाला रनिंग जूता या एक्टिविटी के लिए कुछ जूता चाहिए, कोई ऐसा जूता चाहिए जो आपको कैजुअल वॉक के लिए डेली यूज के लिए अगर कुछ चाहिए ना तो डेफिनेटली इसके जा सकते हो। ऐसे एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, ये थोड़ा सा नैरो है, मेरा पैर ना थोड़ा सा फैला हुआ है, मेरे को पहनने में थोड़ा सी प्रॉब्लम आई, लेकिन अगर आपके पैर की उंगलियां मेरे पैर की उंगलियों की तरह से फैली भी नहीं है तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो। देखो मैं ये चीज बता दे रहा हूं क्योंकि इंडियन फीट जो होते हैं ना यूजुअली इसी तरह के होते हैं, सामने से थोड़े से चौड़े होते हैं, तो ये चीज बस आप ध्यान रखना इसे लेने से पहले। प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पूमा का हॉल अच्छा लगा होगा। मैं आपको बता दूं कि हम आ रहे हैं न्यू बैलेंस के हॉल के साथ, जहां पर भाई तगड़े तगड़े जूते हम अनबॉक्स करेंगे। लिटरली आपका दिमाग घूम जाएगा उस एपिसोड को देख के। इसको देखने के लिए क्या करना है, मेक श्योर कि हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और अब तक इंस्टाग्राम में हमें फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भैया, फटाफट फॉलो करो अभी के लिए। बाय, जय हिंद, पीस।